कुछ तो विज्ञान के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कुछ मिलेंगे यहाँ पर ग्रह से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज तैयार कर लो, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अभी आपको मालूम पड़ रहा है। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से हैं, सबसे पहले कि ठंडे रक्त के प्राणी कौन होते हैं, तो ठंडे रक्त के प्राणी यहाँ पर कहा गया सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं। ये सरीसृप किसको कहते हैं, आप ये कहें सरीसृप क्या है, तो सरीसृप प्राणी उनको कहते हैं जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं, यानी उनके पैर नहीं होते हैं, समझ गए। उसके बाद क्या आता है प्रश्न नंबर दो, गर्भ रक्त के प्राणी कौन होते हैं, तो गर्भ रक्त के प्राणी होते हैं स्तनधारी प्राणी, जैसे हम लोग होते हैं ना, और जितने महिला पुरुष या फोर्ड मतलब कि दो टांगों पर चलने वाले होते हैं या फिर चार टांगों पर चलने वाले स्तनधारी होते हैं, बस इतना समझ लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर थ्री है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो यहाँ पर इवनिंग स्टार कहा जाता है शुक्र ग्रह को। पहले कई नाम बताए आपको, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या प्रश्न, इसको गोल का तारा मैंने कहा था, इसके साथ कुछ और भी नाम बताया, सांझ का तारा कहा था। प्रश्न नंबर फोर है, कौन सा रसायन पानी में जलता है, तो ये सोडियम होता है, रसायन पानी में जलता है, ध्यान रखना। कभी गांव गाँव में आ जाते हैं बाबा लोग साधु संत लोग, तो क्या करते हैं पानी में जला कर दिखाते हैं कि देखो पानी मैंने आप लगा दी, मंत्र पढ़ दिया, तो इस कंफ्यूजन में कभी मत रहना, आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो इसको, ये सोडियम होता है, सोडियम से पानी में आग लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर पाँच है, हमारी पृथ्वी किस गति से घूमती है, तो ये पृथ्वी की गति का जो घूमने का चक्र है वो कितनी स्पीड है, स्पीड यहाँ पूछी जा रही है, तो यहाँ पर स्पीड है इनकी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में ये 1800 किलोमीटर घूम लेती है पृथ्वी, ठीक है। प्रश्न नंबर छः है, सूर्य ग्रहण कितने समय का होता है, कितने समय का होता है, तो ये समय क्या अधिकांश 7 मिनट का होता है, यानी 7 मिनट में पूरा सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा, चंद्र ग्रहण वर्ष में कितनी बार होता है, तो चंद्र ग्रहण वर्ष में अधिकतम 3 बार हो सकता है, फाइनली नहीं है, 2 बार भी होता है या 3 बार भी हो सकता है, इससे अधिक बार नहीं होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, चलती हुई ट्रेन से यदि कोई व्यक्ति कूदे तो किस दिशा में गिरेगा, यानी ट्रेन चल रही है और आप ट्रेन में बैठे हुए, तो आपको सपोज आपको नहीं कूदना है, किसी और को कूदना है, तो ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे ट्रेन छा या कोई भी कूदा तो व्यक्ति किस दिशा में गिरेगा, पीछे साइड को गिरेगा या आगे साइड को गिरेगा, तो व्यक्ति हमेशा इसका आंसर क्या है, ट्रेन की दिशा में आगे की ओर गिरेगा, ठीक है, ट्रेन की दिशा में व्यक्ति आगे की ओर गिरेगा। कभी ट्राई करके मत देखना, बिना ट्राई करके देखे कोई चीज़ फेंक कर दे, 32 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से वो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी, इतनी हाई स्पीड होगी उस वस्तु के गिरने की। प्रश्न नंबर 10 है, रेड स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, यहाँ रेड स्टार का मतलब लाल स्टार, लाल स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो यहाँ उत्तर बन रहा है आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है। रीजन क्या है, मंगल ग्रह पे रेड कलर की मिट्टी पाई जाती है, इस वजह से उसको रेड स्टार कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रश्न नंबर 11 में कहा गया पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, ये क्वेश्चन थर्ड क्लास से लेके और लगातार बनते ही रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन में आता है ये, तो इसका रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, वहाँ क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, इसकी वजह से ये हरा होता है। प्रश्न नंबर 12, ध्वनि की गति कितनी होती है, तो ध्वनि की गति होगी 332 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 332 मीटर तक की ध्वनि की आवाज़ पहुँच जाएगी, होता है जिसे सुनने से व्यक्ति हंसने लगता है, ऐसी कौन सी गैस है जिसे सुनने से व्यक्ति हंसने लगता है, तो इस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन भी ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विज्ञान में ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से व्यक्ति हंसने लगता है, तो ये गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 14, बिजली का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया था, बिजली का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया था, तो यह 1672 में जर्मनी में वान ड्यूर के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 15, हवाई जहाज की गति बताने वाले यंत्र का नाम बताएं, तो हवाई जहाज की गति बताने वाला यंत्र है हेक्टोमीटर। हवाई जहाज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कभी समय मिलेगा तो मैं इनके बारे में सारे क्वेश्चन बनाऊंगी। प्रश्न नंबर 16, हैली नामक उच्चल द्वारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, तो ये 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, वैज्ञानिकों ने कैसे ध्यान दिया,
एक बार दिखाई देता है उस पर विज्ञान को नहीं कैसे गौर कर लिया। चलो देखते हैं, हो सकता है गौर। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य से अधिक दूर है? तो ये प्लूटो है, 586.56 करोड़ किलोमीटर, यानी 586.56 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो ये चांद पर। ये बार बार क्वेश्चन आता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, तो ये है चांद पर। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रश्न नंबर 19, चंद्रमा तक पहुँचने का कितना समय लगता है? यानी कोई व्यक्ति यहाँ पृथ्वी से चंद्रमा तक जाता है तो उसको कितना समय लगता है? तो उसको समय लगता है केवल 3 दिन का समय लगता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है एंड लास्ट क्वेश्चन, टुडे क्वेश्चन लास्ट, कौन सा ग्रह व्यक्ति बिना उपकरण के भी मदद से देख सकता है? मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं है? यूरेनस ग्रह बोलते हैं इसको, यूरेनस ग्रह है जिसको हम बिना कोई मतलब कि इसको के विदाउट स्कोप विदाउट भी हम देख सकते हैं, यूरेनस ग्रह। तो आज की टोटल तुम्हारे 20 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करें। कल फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दें।